हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रो। आज से हम डीएफपीआर की सीरीज शुरू करेंगे, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 1978। ठीक है, ये भी एसओ ग्रेड एग्जाम के पेपर टू में आता है और काफी इम्पोर्टेंट है। बहुत बड़ा नहीं है, ज्यादा रूल नहीं है और आसानी से उनको समझा जा सकता है। तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो सारे सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि डीएफपीआर रूल में क्या क्या होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारे वीडियोज के जो है कि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। ठीक है, डीएफपीआर रूल सबसे पहले यही देखते हैं कि ये लागू कब से हुआ, क्योंकि एक बार यही सवाल पूछ चुका है कि डीएफपीआर रूल लागू कब से हुआ। तो ये 1 अगस्त 1978 से लागू हुआ। ठीक है, ये चीज सवाल ये है कि डीएफपीआर रूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी थोड़ी सी बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है कि सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो डेलीगेट कर दी हमारे प्रेसिडेंट को। ये जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता है कि यूनियन गवर्नमेंट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के में डेलीगेटेड है। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इस एग्जीक्यूटिव पावर में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी आती है, फाइनेंशियल पावर भी आती है और क्वासी जुडिशियल पावर भी तमाम है, जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो है कि इसमें आती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को सारी पावर डेलीगेट कर दी गई। प्रेसिडेंट ने क्या किया, अकेले तो इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं सकते, तो उन्होंने एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल और ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल बनाया। ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल बना करके उन्होंने अपनी पावर डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज को डेलीगेट कर दी, जो कि हम ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को किस चीज की पावर है, मिनिस्टर को किस चीज की पावर है और किस केस में प्रेजिडेंट इट सेल्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ये सारा कुछ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल में हमें देखने को मिलता है। तो प्रेजिडेंट ने ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल बना करके जो उसकी फाइनेंशियल पावर थी ये पूरा उठा करके फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दी, फाइनेंस मिनिस्टर को दे दी। ठीक है, सारा फाइनेंशियल पावर यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड उसने फाइनेंस मिनिस्टर को दे दी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में तमाम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होते हैं, अब अगर सारी फाइनेंशियल पावर जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास होगी तो बाकी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट फंक्शन कैसे करेंगे। तो इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया कि एक डीएफपीआर रूल बनाया। डीएफपीआर रूल बनाया और इसको प्रेसिडेंट से अप्रूव करा करके प्रेसिडेंट ने जो फाइनेंशियल पावर फाइनेंस मिनिस्टर को दी हुई थी उसमें से तमाम पावर उसने तमाम मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को डेलीगेट कर दिया। ठीक है, सारी पावर नहीं, तमाम जो पावर है वो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को डेलीगेट कर दिया, डे टू डे रिलेटेड उनके जो भी फाइनेंशियल मैटर है उनसे रिलेटेड। तो इस डीएफपीआर रूल में हमें जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि कौन से पावर ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को डेलीगेट कर दिए गए हैं और कौन से ऐसे केसेज हैं कि इस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को अभी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, पूरा डीएफपीआर इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमता है और डीएफपीआर पढ़ते समय हमें इसी चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कौन से जो फाइनेंशियल मैटर्स है जिसमें मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खुद कॉम्पिटेंट है, खुद जो है कि अगर बजट में पैसा अवेलेबल है तो खुद अप्रूव करके उस चीज को कर सकता है, और ऐसे कौन से मैटर है जिसमें उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, और कुछ ऐसे मैटर भी मिल सकते हैं जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ना हो, ऐसे केस में उसको प्रेजिडेंट की या पार्लियामेंट की भी अप्रूवल लेनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ये रूल बनाया गया, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल। जो पावर प्रेसिडेंट ने फाइनेंस मिनिस्टर को डेलीगेट किया हुआ था वही पावर, उसमें से कुछ पावर उन्होंने मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट करने के बाद उस पावर का इस्तेमाल वो कैसे करेंगे इसके बारे में डीएफपीआर रूल में बताया गया। ठीक है, तो ये पूरा एक तरीके से डीएफपीआर रूल क्यों बनाना पड़ा इसके बारे में ये था। तो रूल वन जो डीएफपीआर रूल का है उसमें इस रूल का नाम दिया हुआ है कि ये रूल जो है डीएफपीआर रूल 1978 कहलाएगा, और दूसरा ये बोला गया कि ये कब से इन्फोर्स होगा, तो 1 अगस्त 1978 से। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये रूल किस पे अप्लाई नहीं होता है।
ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये देख लें कि ये किस पे अप्लाई नहीं होता है। पहला रेलवे, रेलवे मिनिस्ट्री के लिए ये डीएफपीआर रूल लागू, डीएफपीआर रूल लागू नहीं होता। दूसरा डिफेंस मिनिस्ट्री पे भी ये लागू नहीं होता, लेकिन ऐसे उनके जो जो एस्टिमेट्स जो डिफेंस एस्टिमेट्स से डेबिटेबल होते हैं, इसको मैं समझाता हूं अभी। देखिए होता क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री का जब एस्टिमेट बजट एस्टिमेट बनता है, डिफेंस मिनिस्ट्री जब अपना बजट एस्टिमेट बनाती है तो ये दो हिस्सों में होता है, एक सिविल डिफेंस मतलब सिविल एस्टिमेट्स और दूसरा नॉन सिविल एस्टिमेट्स। क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री में तमाम जो है सिविलियन भी काम करते रहते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो अधिकारी वगैरह बैठे हैं, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ये सब सिविलियन पोस्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री के, तो उनका एस्टिमेट्स भी बजट में अलग होता है। और जो नॉन सिविलियन पोस्ट है हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के लिए नॉन सिविलियन एस्टिमेट्स बनते हैं। तो डीएफपीआर का जो रूल है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के उस एस्टिमेट जो सिविलियन के लिए बना हुआ है उस पर डीएफपीआर का रूल लागू होता है, जो लेकिन जो नॉन सिविलियन एस्टिमेट्स जो होता है, मतलब जो एक तरीके से डिफेंस के एस्टिमेट से डेबिट होता है, उस पर डीएफपीआर का रूल लागू नहीं होता, उनके लिए सेपरेट रूल बनाया गया है। ठीक है, ठीक इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, इस पे भी डीएफपीआर के रूल लागू नहीं होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो अब्रॉड में रहते हैं, जो अब्रॉड में होते हैं काम करते हैं, उनके ऊपर भी ये लागू नहीं होता है, और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन पे भी ये डीएफपीआर का रूल लागू नहीं होता। ठीक है, तो इतनी सारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे डीएफपीआर का रूल लागू नहीं होता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। डिफेंस के सिविलियन एस्टिमेट्स पे यही डीएफपीआर का रूल लागू होता है, लेकिन डिफेंस के ऐसे एस्टिमेट जो डिफेंस एस्टिमेट से डिबेटेबल है, मतलब नॉन सिविलियन एस्टिमेट से डिबेटेबल है, उस पे नहीं लगता, उसके लिए अलग से रूल। ठीक है, ये चीज। अब हम देखते हैं रूल टू। रूल टू में डीएफपीआर में जो तमाम टर्म नहीं, जो रूल टू में है वो पावर टू रिलैक्स के बारे में बताया है। ठीक है, कि डीएफपीआर के जो एक तरीके डीएफपीआर के तहत जो पावर दिए गए हैं उसमें अगर किसी भी तरह का चेंज करना हो, रिलैक्सेशन करना हो, कंडीशन इंपोज करना हो, तो ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास दी गई। प्रेसिडेंट डीएफपीआर के किसी भी प्रोविजन में किसी भी तरह का चेंजेज कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट अगर चाहे तो कोई भी प्रोविजन को रिलैक्स कर सकते हैं, चाहे ऑल प्रोविजन या एनी प्रोविजन, इसमें रिलैक्सेशन दे सकते हैं। दूसरा, प्रेसिडेंट कोई भी पावर जो है वो किसी को डेलीगेट कर सकते हैं, किसी भी सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट किसी भी अथॉरिटी की पावर को रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट किसी भी अथॉरिटी के पावर पे कंडीशन भी इम्पोज कर सकते हैं कि आप इसका इस्तेमाल तो कर सकते हो लेकिन इस कंडीशन के आधार पे, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट किसी भी अथॉरिटी के पावर को विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है डीएफपीआर रूल में के रूल नंबर टू में बताई गई कि डीएफपीआर का जो रूल के तहत जो पावर दिया गया है उसमें जो चेंजेस करने की पावर प्रेसिडेंट को है, प्रेसिडेंट मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, वो रिलैक्स भी कर सकते हैं, डेलीगेट भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं, कोई कंडीशन भी इंपोज कर सकते हैं, या पावर को विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, रूल टू में यही बात बताई गई है। अब हम आते हैं रूल थ्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिफिनीशन के बारे में बात की गई है। डीएफपीआर रूल में जो जो टर्म यूज हुए हैं उसके डिफिनीशन की बात की गई, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। समझ लेंगे तो इससे कई सवाल आते हैं, और दूसरी बात, आगे जो ये टर्म यूज होगा वहां पे भी क्लियरिटी आ जाएगी। सबसे पहला एक टर्म यूज किया गया है एडमिनिस्ट्रेटर का।
एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो यूडी के यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। इनके नाम कई जगह अलग अलग है, कई जगह इनको एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, कई जगह इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है और कई जगह इनको कमिश्नर भी बोला जाता है। इनका नाम चाहे जो हो, डीएफपीआर के पर्पज से सबका नाम एडमिनिस्ट्रेटर ही रखा गया है, ठीक है। तो जहां जहां डीएफपीआर में एडमिनिस्ट्रेटर की बात की जाएगी तो सारे यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर या उनके कमिश्नर के पावर की बात हो रही है, ठीक है, पहली बात ये। दूसरा एक जो डिफिनेशन है वो है एप्रोप्रिएशन का। ये एप्रोप्रिएशन क्या है, देखिए इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं। जितने भी मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री है वो क्या करते हैं, अपना जो है डिटेल डिमांड ग्रांट जो बना करके फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करता है, इसको कंपाइल करता है और कंपाइल करने के बाद बजट बनाता है, ठीक है। बजट बनाने के बाद वो बजट को फाइनेंस मिनिस्ट्री सारी मिनिस्ट्री के बिहाव पे पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करता है। पार्लियामेंट जब इसको अप्रूव कर देता है, बजट जब अप्रूव हो जाता है तो पार्लियामेंट एक तरीके से असाइन करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को वो सारा फंड जो है एक्सपेंडिचर करने का जो कि बजट में जो है कि ऑलरेडी मेंशनड, मतलब बजट में जो अमाउंट मेंशन था, पार्लियामेंट जब बजट को अप्रूव कर देता है तो पार्लियामेंट में एक एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है। इस एप्रोप्रिएशन बिल के पास होने के बाद पार्लियामेंट क्या करता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को अथराइज कर देता है या वो फंड असाइन कर देता है कि ठीक है अब आप इतना पैसा जो है हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा कर सकते, ठीक है। जो हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होती है ये आरबीआई द्वारा मैनेज्ड होती है, जिसमें भारत सरकार का सारा इनकम, रेवेन्यू इनकम सारा कुछ भारत सरकार का इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है ये पार्लियामेंट के बिना अप्रूवल के, ना तो इसमें कोई एक रुपया डाल सकता है और ना ही पार्लियामेंट के बिना अप्रूवल के इससे कोई भी एक रुपया निकाल सकता है, ठीक है। तो जो हमारा बजट का पैसा होता है वो इसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को मिलता है। इसीलिए बजट जो है पार्लियामेंट के बाद अप्रूव होने के बाद पार्लियामेंट एक अप्रोप्रिएशन बिल पास करती है और उस बिल के पास करने के बाद पार्लियामेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री को ऑथराइज करती है कि अब आप इतना पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल सकते हो, ठीक है। फिर वही फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करता है कि सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को अथराइजेशन लेटर भेजता है। जैसे यहां से अगर पार्लियामेंट ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को 500 करोड़ का बजट अगर पास किया तो कुछ इसका होगा, कुछ इसका होगा, कुछ इसका होगा, सबके सबके अलग अलग एक तरीके से वो अमाउंट होंगे। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री फिर क्या करता है कि उन सारी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को वो अथराइजेशन लेटर भेजता है। उसी अथराइजेशन लेटर के आधार पे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का जो अपना बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, उसी ऑथराइजेशन लेटर के आधार पे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो है अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको खर्चा कर सकते हैं। अब क्या होता है, जब पार्लियामेंट जो है उसको अप्रूव कर देती है बजट को, तो वो एक कॉपी आरबीआई को भी जाती है। आरबीआई करता क्या है कि उतने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उतना पैसा निकाल के हर एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के बैंक अकाउंट में भी डाल देता है, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन क्या है, एप्रोप्रिएशन इज द असाइनमेंट ऑफ फंड फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन इज द असाइनमेंट ऑफ फंड फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर मेंशन्ड इन प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हेड की बात है, इसको सेपरेटली बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है। तो एप्रोप्रिएशन एक तरीके से खर्च करने का अधिकार देना होता है, ठीक है। अगर आम लेमन की भाषा में समझना चाहो तो एप्रोप्रिएशन मीन्स एक्सपेंडिचर करने का राइट, अधिकार देना ही एप्रोप्रिएशन कहलाता है, ठीक है। तो ये पूरी मैकेनिज्म मैंने जो बताई ये पूरी मैकेनिज्म है कि सारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपनी जो है कि जो उनकी डिमांड है तो उसको डिटेल्ड डिमांड फॉर ग्रांट बना बना करके भेजते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको कंपाइल करके बजट डॉक्यूमेंट बनाता है, बजट पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट।
जब वो बजट पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो पार्लियामेंट में एक अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, और वो अप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद पार्लियामेंट उतने अमाउंट का जो फंड है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को असाइन कर देता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा मैनेज्ड होता है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करता है कि जिस मिनिस्ट्री का जितना अमाउंट अप्रूव हुआ है उतने का उनको ऑथराइज कर देता है कि आपका इतना अमाउंट अप्रूव हो गया है, अब आप उसको खर्चा कर सकते हो। वो मिनिस्ट्री सैंक्शन ऑर्डर के जरिए अपने उस बैंक अकाउंट से उतना पैसा खर्च करती है, ठीक है। इस बैंक अकाउंट में पैसा कहां से आएगा, ये आरबीआई की जिम्मेदारी है। आरबीआई चूंकि पार्लियामेंट ने ऑथराइज कर दिया है तो वो ऑथराइजेशन की एक कॉपी आरबीआई के पास भी जाती है कि 100 करोड़ यूपीएससी को अलॉटेड हुआ है, 100 करोड़ एजुकेशन मिनिस्ट्री को, 100 करोड़ एमएचए को। अकॉर्डिंगली आरबीआई क्या करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल करके बैंक के अकाउंट में भी डाल दे, ठीक है। तो यही पूरी प्रक्रिया एक तरीके से अप्रोप्रिएशन होती है। अप्रोप्रिएशन मतलब खर्च करने का अधिकार दे दिया गया कि अब जो है आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है। एक और टर्म आएगा री अप्रोप्रिएशन, ठीक है। होता क्या है कि गवर्नमेंट में जो है कि सारा जो पैसे का जो पेमेंट होता है वो हेडवाइज होता है। ये चैप्टर अभी हम काफी डिटेल में रीअप्रोप्रिएशन हम पढ़ेंगे, लेकिन वो हेड वाइज होता है। जैसे सैलरी हेड, टीए हेड, मेडिकल हेड, ठीक है। एक्सपेंडिचर का नेचर के आधार पे अलग अलग हेड बनाए हो गए हैं, ठीक है। तो रीअप्रोप्रिएशन क्या है, और इसी जो हेड होता है इसी को बोलते हैं प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन, ठीक है। हर एक पर्पज के लिए प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन अलग होता है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है ऑब्जेक्ट हेड। ये सब अभी हम पढ़ेंगे, अभी हल्का सा ब्रीफ आपको केवल बता रहे हैं इन्हीं का। तो अभी क्या हो रहा था कि जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का बैंक अकाउंट था, ठीक है, उस बैंक अकाउंट में से सैलरी के लिए लोगों को पैसा देना या टीए के लिए पैसा देना, इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन, ठीक है। लेकिन अगर सैलरी से टीए में या टीए से मेडिकल में अगर उस फंड को ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो इस ट्रांसफर ऑफ फंड को रीअप्रोप्रिएशन बोलते हैं। मतलब ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू अनदर प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन इज कॉल्ड रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है। अप्रोप्रिएशन क्या है, सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट से उस हेड में एक तरीके से सैलरी हेड में लोगों को सैलरी दे देना, सीधा एक्सपेंडिचर कर देना, वो अप्रोप्रिएशन कहलाता है। लेकिन अब मान लो सैलरी हेड में पैसा बहुत बच गया, टीए हेड में पैसा नहीं है, तो ऐसे केस में मिनिस्ट्री क्या करेगी, पैसा क्यों मांगेगी, उसके पास एक हेड में ऑलरेडी सरप्लस बचा हुआ है, तो वो क्या करना चाहती है कि सैलरी हेड का पैसा टीए में करना चाहती है या टीए का पैसा मेडिकल में करना चाहती है। वो क्या करना चाहती है, जो सरप्लस है, जो सेविंग बच गई है, उसको बस एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर करना चाह रही है, ठीक है। तो इसी ट्रांसफर को रीअप्रोप्रिएशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज हम अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला है कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर। कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर, देखिए कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर एक तरीके से इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं रनिंग एक्सपेंडिचर। किसी भी ऑफिस को रन करने का जो एक्सपेंडिचर होता है उसी को कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ठीक है। कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर माने ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, एंड अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, ठीक है, जो ऑफिस में जो स्टोर होता है, आपने देखा होगा कि हर ऑफिस में एक स्टोर होता है, स्टेशनरी खरीदी जाती है, डस्टर खरीदे जाते हैं, तमाम आइटम ऑफिस की रनिंग के लिए खरीदे जाते हैं, तो वो सारा एक्सपेंडिचर कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। स्टोर में ऑफिस के जो मैनेजमेंट के लिए जो भी चीजें खरीदी जाती है, चेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप, तमाम चीजें जो खरीदी जाती है वो सब कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर में आती है, ठीक है। साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट का कोई टेक्निकल एस्टेब्लिशमेंट है इसकी भी वर्किंग पे जो खर्चा आता है,
ठीक है, वो सब कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर में आता है, और साथ ही साथ जो ऑफिस एक्सपेंसेज होते हैं ये सब कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर आते हैं। ठीक है, तो कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर माने किसी भी ऑफिस को रन करने का जो खर्चा आता है, ये जो टेक्निकल एस्टेब्लिशमेंट है इसको एस्टेब्लिश करने का खर्चा जो है वो कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, लेकिन इसकी जो डे टू डे वर्किंग है, चाय का खर्चा, चेयर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ठीक है, ये सारी, टेबल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं एक ऑफिस की वर्किंग के लिए जरूरी है, तो ऐसे सारे खर्चे को कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। मतलब आपने मान लीजिए कोई गुड्स मंगाया, आपने तो दुकानदार से फिक्स कर लिया कि 100 रुपए का भाई ये सामान हम आपको देंगे, लेकिन वो सामान लाने में ट्रांसपोर्टेशन का भी तो खर्चा होगा, वो सामान जब आपके ऑफिस में आएगा तो उसको उठाकर स्टोर रूम में रखने के लिए लेबर का भी तो खर्चा होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन और लेबर का जो खर्चा है वो उस गुड्स से रिलेटेड है, तो इसीलिए उसको इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये सारे खर्चे जो है कि कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर में आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे जो एक्सपेंडिचर जो क्लियरली स्पेसिफाइड है, ठीक है, जो क्लियरली स्पेसिफाइड है किसी भी वर्क के हेड में या टूल या प्लांट के हेड में, ठीक है, ये जो है कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर के डिफिनेशन में नहीं आते। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब किसी पर्टिकुलर वर्क माने क्या होता है, गवर्नमेंट को एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, उसके लिए उसने पैसा दिया हुआ है, स्पेसिफिकली उसके लिए बोला गया है, तो ऐसे पैसे कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे। ठीक है, और कोई इम्प्लांट लगाना, कोई प्लांट लगाना, कोई फैक्ट्री बनानी है, कोई मशीनरी खरीदनी है, तो स्पेसिफिकली जब उसके लिए एक्सपेंडिचर दिया गया है तो उसको कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये चीज। अगला है डिपार्टमेंट, कई जगह डिपार्टमेंट का जिक्र आएगा कि डिपार्टमेंट का शब्द का इस्तेमाल खूब हुआ है डीएफपीआर में, तो ये डिपार्टमेंट क्या होते हैं, डिपार्टमेंट में सारी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है पहली बात तो वो शामिल होते हैं, साथ ही साथ और भी कई जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के रूप में काम नहीं करती है वो भी शामिल है, जैसे प्लानिंग कमीशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये भी शामिल है इसमें, प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट, पीएमओ, ठीक है, एंड कैबसेट, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डीएफपीआर में डिपार्टमेंट की डिफिनेशन में आती है। कहने का मतलब आगे जब हम डीएफपीआर में ये चीज पढ़ेंगे कि डिपार्टमेंट को ये पावर है तो मतलब इन सारे को वो पावर डेलीगेटेड, ठीक है, तो यहां से भी सवाल कई बार पूछ लेता है। एक और शब्द बार बार यूज होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री, नॉर्मली तो हम जानते ही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री माने फाइनेंस मिनिस्ट्री तो है ही, लेकिन भारत सरकार के कुछ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां इसी फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक स्कीम इंप्लीमेंटेड है, वो इस स्कीम का नाम है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइस स्कीम। ठीक है, जो भारत सरकार के कुछ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है जहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइस स्कीम जो है वो लागू है, और ये स्कीम लागू जो होता है इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर को दी गई, आईएफए उसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर को। ये इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे वो सारे डिसीजन लेता है इस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब आगे हम रूल पढ़ेंगे कि मिनिस्ट्री जो है खुद से इतना खुद से इतना करने का पावर रखती है, इसके ऊपर करना है तो उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो बाकी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जहां पे इंटीग्रेटेड फाइनेंस एडवाइस स्कीम लागू नहीं है वो क्या करेंगे, प्रपोजल को सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेजेंगे। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है
जैसे एमएचए वगैरह शायद होगा, वहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद ही टाइम को कट करने के लिए एक आईएफएएस स्कीम लागू की हुई है, जिसके तहत वहां पे उसने इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट किया हुआ है, और ये जो है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के बिहाफ पे ही उस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में डिसीजन लेता है। तो अगर इस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को कोई भी चीज फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूव करानी है तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास नहीं भेजेगा, बल्कि वो इसी आईएफए से करा लेता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो है कि एफए बोल देते हैं। इस आईएफए को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हो सकता है कि पूरी पावर दे रखी हो सकता है थोड़ी पावर दे सकी हो, जो भी होगा ये फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद डिसाइड करती है, ठीक है। ये चीज अगला है एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसके बारे में हम खूब जानते हैं। देखिए डीएफपीआर में टोटल 7 शेड्यूल है, उसी में शेड्यूल 1 में क्या है कि अथॉरिटीज का नाम है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एचओडी के रूप में काम करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो यही ध्यान रखिएगा कि डीएफपीआर के शेड्यूल 1 में क्या है, लिस्ट ऑफ एचओडीज दी हुई है शेड्यूल 1 में। अब मान लीजिए लेकिन नॉर्मली इस लिस्ट में क्या है कि जो अटैच सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनके एचओडी के बारे में बात की गई है, जो डिपार्टमेंट है मेन उसके एचओडी के बारे में बात नहीं की गई है। और ये बोला गया है कि ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, सेक्रेटरी, ठीक है। एमओपी में ये बात लिखी हुई है कि डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो सेक्रेटरी होता है। तो ये डिपार्टमेंट चाहे तो किसी भी, या तो खुद एचओडी के रूप में काम करे या किसी भी अथॉरिटी को एचओडी बना सकता है, लेकिन ये जो अथॉरिटी होनी चाहिए इसकी पे जो है वो डीएस से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही बात बोली गई है। तो एचओडी के डिफिनेशन में दो तरह के लोग आएंगे, पहला डीएफपीआर के शेड्यूल 1 में जो अथॉरिटी मेंशन्ड है वो भी एचओडी है, और दूसरा जो भी डिपार्टमेंट है वो एनी अथॉरिटी किसी को भी एचओडी अपॉइंट कर सकते हैं, वो भी एचओडी की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन जिसको भी वो एचओडी बनाएंगे वो डिप्टी सेक्रेटरी से कम की पे ड्रॉ करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक इसी तरह हेड ऑफ ऑफिस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये डीएफपीआर के रूल 14 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम उसके बारे में वहां पे बात करेंगे। अगला आता है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। देखिए इसका नाम ही ऐसा है कि इसकी डिफिनेशन बहुत बड़ी है। तो क्या किया गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से कुछ जो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर है उनको माइनस करके जो बच जाता है वो सब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या है, ऑल एक्सपेंडिचर अदर देन। अब ये अदर देन में कौन कौन आएंगे, जो हमारे पे एंड अलाउंसेज हैं, जो हमारे पेंशन के पैसे हैं, पेंशन एंड ग्रेचुटी, ठीक है, लीव सैलरी, कंटिंजेंसी, कंटिंजेंट हमने एक्सपेंडिचर अभी जस्ट पढ़ा, कंटिंजेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, ग्रांट इन एड, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशंस सीपीएफ अकाउंट में जो हमारे लिए कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देती है वो, और जो भी एक्सपेंडिचर वर्क पे, टूल पे या किसी प्लांट पे खर्चा होने वाला है, इन सब को छोड़कर जो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं वो सब के सब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक और टर्म आता है रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेगुलर इंटरवल पे होता है, जैसे हमारी सैलरी हर महीने में मिलती है ना, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को रिकरिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये एक और आएगा नॉन रिकरिंग, ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, ऐसा एक्सपेंडिचर जो ओकेजनली होता है, तो एनी एक्सपेंडिचर अदर देन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये चीज। एक और टर्म जो हम आराम से पढ़ेंगे इसको, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये डीएफपीआर के रूल 8 में दिया हुआ है, इसका एक सेपरेट क्लास ही लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है। ये चीज। अगली डिफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक वर्क की, कि ये पब्लिक वर्क क्या होता है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। पब्लिक वर्क की डीएफपीआर में अलग डिफिनीशन दी हुई है और जीएफआर में अलग डिफिनीशन दी हुई है, तो जब भी आपसे सवाल पूछेगा वो ये जरूर पूछेगा कि एज पर डीएफपीआर वो पूछ रहा है या एज पर जीएफआर वो पूछ रहा है, तो जैसा पूछेगा वैसा आप उसको बताएंगे, ठीक है। ये चीज तो डीएफपीआर के हिसाब से पब्लिक वर्क की जो डिफिनेशन है वो क्या है, सारे सिविल वर्क एंड इरिगेशन, नेविगेशन, एंड एम्बैंकमेंट एंड ड्रेनेज, ठीक है। ये सारा जो है डीएफपीआर के हिसाब से एक तरीके से जो है कि पब्लिक वर्क की डिफिनेशन है, सिविल वर्क और बाकी जो देखोगे इरिगेशन, नेविगेशन, एम्बैंकमेंट एंड ड्रेनेज से रिलेटेड है। जीएफआर के प्रोविजन के हिसाब से अलग है इसकी परिभाषा, उसमें क्या क्या है, सारे सिविल या इलेक्ट्रिकल वर्क, सिविल वर्क यहां इलेक्ट्रिकल वर्क भी जुड़ा है, इंक्लूडिंग पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक सर्विस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा, बोथ ओरिजिनल एंड रिपेयर वर्क, इसके बारे में डीएफपीआर में हमें पढ़ने को मिलेगा। ओरिजिनल क्या होता है, नया जब हम कोई वर्क करते हैं तो उसको ओरिजिनल वर्क बोला जाता है, नई बिल्डिंग बना दिया ओरिजिनल वर्क कहलाएगा, अब बाद में उसकी रिपेयरिंग का है तो उसको रिपेयर वर्क बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एनी अदर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि पब्लिक के यूज के लिए बनाई जाती है, तो इन दोनों की डिफिनेशन में फर्क है, इसको अच्छे से जानिएगा, दोनों का अलग अलग है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अब एक टर्म और आएगा, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, ठीक है। सबऑर्डिनेट अथॉरिटी की जो डिफिनेशन है, कोई भी डिपार्टमेंट या एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू प्रेजिडेंट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। खूब इस्तेमाल हुआ है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी का डीएफपीआर के रूल में, तो इसको समझ लीजिए, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी माने एवरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इज सबऑर्डिनेट अथॉरिटी टू द प्रेजिडेंट, ठीक है। उसके साथ साथ कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो प्रेजिडेंट के सबऑर्डिनेट है उसको भी डीएफपीआर के तहत सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ही बोला गया है, ठीक है, ये चीज। अब एक लास्ट बात जो रूल 3 में ये बोली गई है कि अगर कोई ऐसे टर्म्स यूज हुआ है डीएफपीआर में जिसकी जो है डिफिनीशन अगर डीएफपीआर में नहीं दी गई है तो उसकी जो डिफिनीशन जीएफआर में दी गई है उसी को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये भी अपने आप में एक बड़ा छोटा सा सवाल है कि अगर कोई भी टर्म है जिसकी डिफिनीशन डीएफपीआर में नहीं दी गई है लेकिन उसकी डिफिनीशन जीएफआर में दी गई है, तो ऐसे में जो डिफिनीशन उसकी जीएफआर में दी गई है वही अप्लीकेबल हो जाएगा डीएफपीआर के लिए, ठीक है। तो ये जो रूल 3 था डिफिनीशन वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इससे जरूर सवाल आते हैं हर बार, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम अगले रूल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें।